भाई हमने स्नो मांगी थी, ये देखो कितना स्नो दे दिया भगवान ने। वेलकम टू दूध पथरी -4 डिग्री सेल्सियस 15,000 फीट अबव सी लेवल। इतना गलत कैसे हो सकता है भाई। भाई आज है डे 3 हमारा श्रीनगर में और आज हम लोग निकल रहे हैं, दूध पथरी नाम की जगह है वहाँ पर जा रहे हैं। श्रीनगर में स्नोफॉल है और स्नोफॉल है आज और कल, तो मजा आएगा। हम कल निकल रहे हैं यहाँ पे जम्मू के लिए, स्नोफॉल हो जाए तो मैंने भी नहीं देखी यार, मैं भी देख लूंगा। हेलो गाइस, फिर से आ गए रे बाबा, इनको देखिए, अर्नब जी से मिलिए। हेलो, क्या खा रहे हो आप? चिपस। चिपस कॉर्नफ्लेक्स 10 रुपए दे तुरतुरे। ये है कश्मीरी सेब हमारे। भाई ऊपर हम लोग आ चुके हैं और एज एक्सपेक्टेड स्नो फॉल हो रही है यहाँ पर। ये देखो भाई, सुबह को बारिशों में याद तेरा आना। तो भाई हमने घोड़ा कर लिया है भाई। ओ भाई अखिल जी, भाई बर्फ हो रही बहुत भयंकर और ये नजारे देखो भाई साहब। तो भाई खाना वाना खा लिया है और मतलब चाय पी ली है, मैगी खा ली है, अब निकलते हैं हम लोग दोबारा से अपने सफर पे। तो थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं दूध पथरी के बारे में। दूध पथरी श्रीनगर से अराउंड 2 घंटे की ड्राइव पर है। दूध मतलब मिल्क और दूध पथरी मतलब वैली ऑफ मिल्क। भाई अभी घोड़े पे चलते चलते मैं फिसल गया था, घोड़ा फिसल गया था, मैं गिर गया था, कोई नहीं लगी नहीं हमें। चलो भाई चलो, टाइगर भाई ना घोड़े का। तो इस पॉइंट के बाद मेरे फोन के माइक में पता नहीं क्या दिक्कत आ गई, शायद वो काफी टाइम से स्नो में था तो ये दिक्कत आई होगी, तो वॉइस उसने कुछ ऐसी रिकॉर्ड करी। भाई सच बता रहा हूँ, मैंने ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं किया है। हम आए हैं, कोई रिवर है यहाँ पर, वहाँ पर आए हैं। ये है नजारे बहुत तगड़े। भाई खूबसूरत नज़ारे को अलविदा कहने का टाइम आ चुका है, ठंड काफ़ी बढ़ गई है और स्नोफॉल भी काफ़ी हो चुकी है, चल ही रही है मतलब। तो अब भैया भी बुला रहे हैं, अब चलते हैं अपने रास्ते। तो भाई टाइम आ चुका था वापसी का और वापसी के टाइम भाई स्नोफॉल कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी। भाई हमने स्नो मांगी थी, ये देखो कितना स्नो दे दिया भगवान ने, आज रात को पूरे जम गए हम, बाल कपड़े सब, लेकिन इसी चीज का मजा है। हो ये एक्सट्रीम वेदर हो रहा है।
तो काफी हसल करने के बाद, काफी दिक्कतों के बाद हम फाइनली पहुंच चुके थे अपने टी पॉइंट, और वहां हम लोगों ने कावा पिया और दोबारा से निकल गए हम लोग अपने कार की तरफ। मिल्क ऑफ वैली कहते हैं इसको भैया, मिल्क ऑफ वैली का मतलब दूध पत्री, ऐसा क्यों नाम है इसका? पानी है ना, अच्छा दूध जैसा पानी है यहाँ पर, इसलिए इस जगह का नाम दूध पत्री है। भाई जब हम इस रोड से आ रहे थे ना, पूरी खाली पड़ी थी है, और अब देखो कैसे बर्फ ही बर्फ हो रखी है। जयेश घोड़े के ऊपर बैठता है, इसको देख के ना एक पिक याद आती है मुझे, वो आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ भाई घोड़े स्लिप हो रहे हैं, बहुत ज्यादा स्लिपरी हो गया है माहौल, मैं तो गिर भी चुका हूँ एक बार। कोई दिक्कत नहीं है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। टेक्सचर सोच रहा होगा सालों की प्रेडिक्शन सही है एकदम। जहाँ हमने गाड़ी ने हमें छोड़ा था जहाँ पर, वो 2 किलोमीटर पीछे निकल गया है, मतलब आज ही स्नो पड़ी है। और जब हम आए थे तो रोड खाली था, बट अब स्नो ही स्नो है पूरे रोड में। अब तो घोड़े पे बैठे बैठे भी मैं थक गया हूँ, गाड़ी अभी तक नहीं मिली है, अंधेरा फुल मोड पर है, बस 5-10 मिनट में अंधेरा ही हो जाएगा। तो फाइनली अपनी गाड़ी मिल गई है। कैसे हो भैया? बड़ा शौक था आपको बर्फ पड़नी चाहिए। बहुत ज्यादा बर्फ हो गई, ये बर्फ नहीं बर्फा है। ये अपनी गाड़ी है जिसपे जाना है, सुबह गोरी चिट्टी आई थी, अब स्नो में ढकी हुई है पूरी। भाई गाड़ी में हम लोग बैठे हुए हैं और पूरा रोड पे बर्फ हो रखी है अभी, और बहुत मुश्किल से, बहुत धीमी धीमी रफ्तार से गाड़ी चला रहे हैं अभी। तो भाई गाड़ी अपने बीच रास्ते में है और हमें धक्का मारना है इस पे। क्या हम खाने रुके हैं, ये है अपना तंदूरी चिकन, ये चटनियां हैं, 1, 2, 3, 4, 5 तरीके की चटनियां भाई साहब, मैंने पहली बार देखा भाई, 5 तरीके की चटनी नॉनवेज के साथ सर्व हो रही है। तो दूध पत्री से वापस आकर हम अपने विला में चेक इन कर चुके हैं, और ये विला का हाल दिखाता हूँ आपको, रुको। काफी वेल ऑर्गेनाइज विला है ये, बहुत अमीरी है, लग्जरी, फुल लग्जरी, बहुत स्मार्ट लोग, स्मार्ट पे ये दिखाना था, और बहुत ही अच्छा बेड। ये तो बिल्कुल ही मजा। और अब थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और सो जाएंगे, बस आज का व्लॉग यहीं खत्म होता है। सब्सक्राइब करते कूल।